गाइस वेलकम बैक बीसी सी रखा है। तो आज हम लोग प्रश्नावली का जो क्वेश्चन बचा हुआ था त्रिकोणमिति 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का एक नंबर का 1, 2 और 3 यानी 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे, हल कर चुके थे प्रश्नावली 8.2 का। और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उसको आज हम लोग हल करेंगे। तो हल करने से पहले मैं आपको कल ट्रिक जो अपनाया था, जिस हिसाब से आपका टेबल जो अगर याद नहीं है तो टेबल याद करने के लिए आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद करोगे, एक ट्रिक याद करोगे, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको सिर्फ उस ट्रिक को आप जानोगे तो एकदम आसानी से कोई भी फॉर्मूला आप किसी भी डिग्री का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी भी टेबल का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान क्या करोगे, आप आसानी से उसको निकाल सकते हो, याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो फिर से आइए हम एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसको भी बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये आपका फिंगर है, ठीक है, ये क्या है, फिंगर है, जैसे हथेली, हाथ का हथेली है और ये फिंगर है। और इसी फिंगर के सहारे, इसी फिंगर के जरिए आपको क्या करना है, उंगली के जरिए आपको कोई भी कोण का मान ज्ञात करना होता है। जैसे टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री तो उसका मान आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। अगर मैं एक ट्रिक ये बता देता हूं, जैसे कि आप इसको याद कर लोगे कि 0, 30, 45 उसके बाद 60, 90 अगर इस पर याद रखोगे तब भी आसानी से आप बना सकते हो। लेकिन इस पर मैं बना देता हूं, इसको एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। तो यहाँ आइए हम देखते हैं, यहाँ पहले अपना उंगली का पूरा फिगर बनाते हैं, ठीक है। इसको फिगर बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे करनी है आपको, ठीक है ना, याद करने का तरीका आपको मैं बता दूंगा। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपको जो भी वीडियो चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, उससे आप आसानी से उसका सहयोग से आप कोई भी मैथ सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं बताया था कि 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, ठीक है, ये आपको याद इसका जो है। जैसे मान लीजिए सबसे निचली उंगली पे आपका 0 डिग्री का कोण बनता है, उससे ऊपर 30 डिग्री, उससे ऊपर 60 डिग्री, उससे 45 डिग्री, उससे ऊपर 60 डिग्री, उससे ऊपर 90 डिग्री, यानी आप देख सकते हो ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। जो रेखा सीधे खड़ा होता है उस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहां क्या करोगे, अगर आप ये जानिए किसी भी इसमें डिग्री का मान निकालोगे, किसी भी संख्या का मान अगर निकालते हो, मान लो 47 sin 30 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान अगर निकालना चाहते हो, तो ये बात ध्यान में रखना है कि sin चलता है हमेशा घड़ी की दिशा में। जैसे मान लीजिए घड़ी का सुई है, घड़ी इस तरह रहता है, तो यहाँ 12 बजती है तो सुई इस दिशा में चलता है, ठीक है। तो क्लॉक दिशा में चलना है, साइन के लिए क्लॉक दिशा में और कॉस के लिए एंटी क्लॉक दिशा में, यानी उल्टा दिशा में। साइन सीधा चलता है और कॉस उल्टा चलता है, जैसे घड़ी इधर से चलती है सुई जनरली, लेकिन आप साइन लेंगे तो इधर से चलेगा और कॉस लेंगे तो इधर से चलेगा, ठीक है। और टेन के लिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, उसके मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी उसको बता चुका हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका मान कैसे निकालेंगे। थोड़ी सी मैं हिंट्स दे रहा हूं, जैसे साइन मान लीजिए 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेबल याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इसको आप दिमाग में रख लोगे तो टेबल की कोई जरूरी नहीं है, कोई टेबल याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप एकदम अपने माइंड से निकालोगे। साइन 45 डिग्री, तो मैं क्या बताया, साइन चलता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी सीधी चलती है इधर से, तो 45 डिग्री, मान लीजिए साइन 45 डिग्री है तो 45 डिग्री यहाँ है, इसको छोड़ के देखिए तो इधर कितना बच रहा है, 1, 1, 2, तो रूट अंडर 2 बटा हमेशा 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो रूट से अगर कोई संख्या काटते हो सेम तो रूट बार में कट जाता है, तो 1 बटा रूट अंडर 2, साइन 45 डिग्री का मान कितना हुआ, 1 बटा 2, 1 बटा रूट अंडर 2, आप देख सकते हो। अगर याद हो फिर भी, नहीं याद हो फिर भी आप किताब से मिला लीजिए, एकदम 1 बटा रूट अंडर 2 आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद अगर मानते हैं कोस 45 डिग्री में चलते हो, थोड़ा सा हिंट्स मैं दे रहा हूं ताकि इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें ऑलरेडी ये सभी माने अच्छे से बताया था, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप हमारे साइट पे जाओगे और देखोगे, जरूर वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, साइन 45 हो गया कोस 45, तो साइन चलता है सीधा और कॉस चलता है उल्टा इधर से, जैसे घड़ी होती है तो घड़ी साइन इधर सीधा और घड़ी का जो साइन में चलते हैं तो सीधा चलते हैं और कॉस में चलते हैं तो उल्टा चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर कॉस 45 का मान निकालते हो आप, तो यहां देखिए
कोस इधर से चलेंगे, यहां है 45, 45 यहां, इसको छोड़ के देखिए, एक दो कितना है, दो, यानी दो रूट में दे दो, रूट अंडर दो, और कितना से डिवाइड करना है, दो से डिवाइड करना है, इसको भी काट दोगे तो रूट अंडर दो बार में कटेगा, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो गया, रूट अंडर दो, ठीक है। अब यहां देखिए साइन 45 कॉस 45 और टेन का भी देख लो आप, टेन 45 का मान अगर निकालते हो, टेन 45 डिग्री का मान, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 45 डिग्री अब बटा कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो टेन, टेन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री, क्योंकि 45 ये है टेन में, तो ये सूत्र आपका होता है। तो टेन देखो साइन 45 है, तो साइन चलता है सीधा दिशा में, घड़ी के सीधा दिशा में, तो 45 कहां है, यहां है, ठीक है 45। अब सीधा एक दो, इसको छोड़ के एक दो, रूट अंडर दो, अब बटा दो तो सब जनरली देना है सभी में, लेकिन मेन बटा आपका ये है, ठीक है। अब मेन बटा यहां दोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, कॉस 45, कॉस 45, कॉस उल्टी दिशा में चलती है, एक दो, ठीक है, इसको छोड़ के एक दो, रूट अंडर दो अब बटा दो, अब मेन बटा ये है, अब क्या करोगे, रूट दो बटा दो गुण है, मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो बटा ये हटेगा, तो यहां जाएगा दो ऊपर चला जाएगा और रूट अंडर दो नीचे आ जाएगा, इससे इसको काट दो, इससे इससे काट दो, कितना बचा, एक बचा। तो आप देख सकते हैं, देखिए टेन 45 डिग्री का मान वन, कोस 45 डिग्री का मान वन बटा रूट टू, साइन 45 डिग्री का मान वन बटा रूट अंडर टू, ये मान एकदम होता है। तो आइए ये थोड़ा सा हिंट आपको मिल गया, अब एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का तीन नंबर क्वेश्चन, एक का तीन नंबर देखेंगे हम, क्योंकि सॉरी दो चार नंबर, तीन तक तो मैं कल ऑलरेडी पूरा कर चुका था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कितना, चार नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं मिटा के, ठीक है। एक्सरसाइज देखिए आप, एक्सरसाइज 8.2 यानी प्रश्नावली, एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली, 8.2 का चार नंबर क्वेश्चन आप देखो, कितना नंबर, चार नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक है। अब इसके सहारे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं इसका मान। चलिए साइन 30 डिग्री का मान अगर आपको निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का मान देख लीजिए कितना आता है, नहीं याद है अगर आपको, तो साइन 30 डिग्री का मान देखो, साइन कहां है, यहां 30 डिग्री है ना, यहां 30 डिग्री है, तो यहां 30 डिग्री है, तो साइन चलता है इधर से, तो इसको छोड़ के कई को बचा, एक, तो रूट अंडर एक बटा दो से आप तो डिवाइड करेंगे, प्लस है तो प्लस। चलिए टेन थीटा, टेन 45 डिग्री का मान मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है, देख लीजिए कैसे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो साइन टेन थीटा बराबर साइन, देख लीजिए यहां लिख देता हूं, टेन 45 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन 45 डिग्री बटा कोस 45, साइन 45 बटा कोस 45, तो यहां देखिए साइन इधर से, साइन इधर से चलता है 45, ये एक दो रूट अंडर दो बटा दो, फिर यहां मेन बटा ये है, तो कॉस 45 डिग्री देखिए, कॉस कॉस उल्टी दिशा में, एक दो रूट अंडर दो बटा दो, पलटेंगे इसको तो रूट दो बटा दो गुने रूट दो बटा दो, इसको सॉरी दो बटा रूट दो, इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे कितना बचा, एक बचा, ठीक है, एक आ गया आपका। तो टेन 45 डिग्री का मान एक होता है, इसके सारे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप इसके सारे आसानी से निकाल सकते हैं। एक माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो सबसे पहले कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोस, तो पहले साइन 60 डिग्री का निकाल लीजिए, साइन साइन इधर से चलता है 60 डिग्री, तो एक दो तीन रूट थ्री, रूट थ्री बटा टू, रूट थ्री बटा टू, आप आसानी से निकालना, इससे इसके जरिए आप निकालना सीखिए, नहीं तो इसके तो इसको तो कई बार बताएंगे आप जान गए होंगे, लेकिन देख कर निकालना सीखिए, ठीक है। उसके बाद मेन बटा ये है, चलिए सेक 30 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस उल्टी दिशा में चलता है, कोस 30 डिग्री है 30, एक दो तीन यानी रूट अंडर थ्री
अब बटर टू से डिवाइड करना है आपको, प्लस कॉस 60 डिग्री, यहाँ देखिए कॉस उल्टी दिशा में 60 डिग्री, यानी 90 एक बचा, यहाँ कॉस 60 है तो इसके बाद एक ही ना बचा एक, तो एक यानी सभी को रूट में आप देंगे एक बटा दो, प्लस अब देखिए कोट 45 डिग्री, तो सबसे पहले कोट उल्टा किसका है, साइन का उल्टा कोट, ठीक है, तो साइन जो है सॉरी टेन का उल्टा कोट होता है, ठीक है, तो टेन का उल्टा कोट होता है, जब टेन 45 डिग्री का मान एक है, टेन 45 डिग्री का मान देखिए यहां निकाला हूं, जब टेन 45 डिग्री का मान एक है तो कोट 45 डिग्री का मान जीरो हो जाएगा, एक का उल्टा जीरो, ठीक है ना, एक का उल्टा जीरो होता है, यानी जीरो ले लीजिए आप निकाल सकते हो इसको, कोट 45 डिग्री का मान एक, एक का उल्टा या इन्फिनिटी भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहां जीरो लेके आप काम करिए, ठीक है। तो देखिए यहां अब ये क्या हो गया, बटा का जोड़ घटाव मिला हुआ हो गया, ठीक, तो यहां इसको एक मान लीजिए, यहां भी जीरो है तो इसको देख लीजिए। अब यहां चलते हैं हम, इसका 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 एलसीएम तोड़ेंगे, इसका इसका एलसीएम तोड़ने पे दो, एक का रूट में अगर एक रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही हो जाएगा, प्लस एक यहां सॉरी दो एकम दो, दो यानी दो माइनस दो एक एकम एक यानी तीन, ठीक है, बटा यहां देख लीजिए इसका इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दो रूट तीन प्लस एक रूट में एक प्लस यानी जीरो, ठीक है, यहां जीरो हो जाएगा। अब देखिए आगे इसको क्या करोगे, अब यहां दो एक तीन माइनस रूट तीन बटा इसको क्या करोगे, यहां जैसे है देख लेते हैं कहीं गलती नहीं ना हुई है हम लोगों से, यानी टेन 45 डिग्री कोट 45 डिग्री, टेन का उल्टा कोट यानी कोट, देख लीजिए देख लिया जाएगा आगे, यहाँ वन प्लस नहीं नहीं यहाँ बट्टा में दो है, बट्टा दो और मेन बट्टा ये है आपका, तो वन प्लस रूट तीन बटा दो, ठीक है, इसको पलटिएगा आप तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, तीन माइनस रूट अंडर तीन बटा दो गुने पलटेंगे तो दो बटा वन प्लस रूट थ्री, ठीक है, इसको इससे काट दीजिए, बचा क्या, तीन माइनस रूट तीन बटा वन प्लस रूट तीन, ठीक है, वन प्लस रूट अंडर क्या तीन बचा यहां पर। उसके बाद आप इसको हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, हरों का परिमेयकरण करने के बाद आप देखेंगे, अब यहां देख लीजिए थोड़ा सा हम मिस्टेक कर गए हैं, क्योंकि एक का उल्टा टेन जब एक है, टेन का मान एक है तो टेन थीटा का मान एक है, तो टेन ये भी क्या हो जाएगा एक ही, कोट का मान भी एक ही होगा, ठीक है, कोट का मान एक ही होगा, तो यहां क्या करोगे आप एक रख दो, ठीक है, एक रख दो, थोड़ा सा मिस हो गया है, एक रखोगे यहां एक रखो, फिर यहां से देख लो, यहां से मिटा देते हैं, ठीक है, यहां एक रख दोगे, फिर इसको देखो इसका 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 एलसीएम तोड़ोगे दो, यानी एक का एक प्लस एक, एक प्लस दो माइनस रूट तीन बटा इसका इसका करोगे तो दो रूट तीन प्लस एक प्लस दो, ठीक है, इतना सेम हो जाएगा। उसके बाद अब इसको क्या करोगे, तिरछा तिरछी गुना करोगे, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना, तो यहां क्या होता है तिरछा तिरछी गुना, यानी दो एक तीन तीन माइनस रूट तीन बटा दो, फिर मेन बटा यहां दो यानी रूट तीन प्लस यहां तीन बटा दो, ठीक है, अब इसको पलट के गुना करोगे तिरछा तिरछी, तीन माइनस रूट तीन और बटा दो गुने दो बटा रूट तीन, यानी इधर तीन कर सकते हो तीन प्लस रूट तीन, इसको इससे काट दीजिए आप, ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो फिर ये हो गया। अब यहां क्या करेंगे, लिखेंगे तीन माइनस रूट अंडर तीन बटा तीन प्लस रूट तीन, ठीक है, तीन प्लस रूट अंडर तीन, यानी क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए, हम लोग गलत नहीं ना लिख दिए हैं, तो तीन यानी वो ठीक है। तो यहां क्या करेंगे आप, अब हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, हरों का परिमेयकरण करने पर हरों का परिमेय करण करने पर, ठीक है, हरों का परिमेयकरण करेंगे तो तीन माइनस रूट तीन बटा
तीन प्लस रूट तीन दुने, यहाँ क्या हो जाएगा तीन माइनस रूट तीन बटा तीन माइनस रूट अंडर तीन, ठीक है, तीन माइनस रूट अंडर तीन, इसको ये क्या करेंगे आप गुणा करेंगे सेम है, तो तीन का स्क्वायर और माइनस रूट तीन का बटा प्लस माइनस है तो यहाँ नहीं सेम है तो तीन, यहाँ देख लीजिए तीन तीन का नौ माइनस तीन रूट तीन माइनस तीन रूट तीन माइनस माइनस प्लस तीन तीर का नौ यानी तीन डायरेक्ट दे दीजिए, ठीक है, बटा इसको तीन का स्क्वायर और माइनस रूट तीन का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी आई टू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ नौ माइनस तीन और तीन क्या होता है छः, यहाँ से अगर करते हैं तीन माइनस ठीक है तीन 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 छः रूट तीन प्लस तीन बटा नौ माइनस तीन, ठीक है, अब छ नौ तीन बारह, बारह ये हो गया बारह, उसके बाद माइनस बारह ये हो गया बारह, उसके बाद माइनस छः रूट तीन बटा छः, ठीक है छः बटा छः हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लोगे, ठीक है इधर देख लेते हैं हम लोग मिटा के, या इस पर भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ छः अगर कमल ले लेते हैं आप छः कमल ले लेते हैं तो छः दूना बारह माइनस रूट अंडर थ्री बटा यहाँ क्या हो जाएगा छः, छः से छः काट दीजिएगा बचेगा कितना दो माइनस रूट अंडर थ्री, ये क्या हो गया आपका ये इसका आंसर हो गया, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है हल्का मिस्टेक हम लोग कर दे रहे थे, कॉट पैंतालीस टेन पैंतालीस डिग्री का मान वन तो कॉट पैंतालीस डिग्री का मान भी वन ही होगा, उसका उल्टा एक का उल्टा एक ही होता है, ठीक है ना, एक का उल्टा जीरो नहीं होता है, थोड़ा सा मिस में हम बता दिए थे, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये दो माइनस रूट अंडर थ्री ये आपका आंसर है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यानी पांच नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, इसका पांच नंबर क्वेश्चन जो देख लीजिए, पांच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पांच यानी क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है पांच कोस स्क्वायर साठ डिग्री यानी फाइव कोस स्क्वायर साठ डिग्री प्लस चार सेक स्क्वायर तीस डिग्री माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री, टेन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री बटा साइन स्क्वायर तीस प्लस साइन स्क्वायर तीस डिग्री प्लस कोस स्क्वायर तीस डिग्री, ठीक है, पांच कोस स्क्वायर साठ डिग्री प्लस चार सेक स्क्वायर तीस डिग्री माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री बटा साइन स्क्वायर तीस डिग्री प्लस कोस स्क्वायर तीस डिग्री, ठीक है, चलिए अब इसको आसानी से आप बनाइए, पांच गुने कोस स्क्वायर यानी कोस साठ डिग्री का मान कोस उल्टा चलता है इस दिशा में तो साठ यहां है रूट अंडर एक बटा दिख लीजिए तो रूट अंडर एक बटा दो का स्क्वायर प्लस चार है तो चार गुने सेक सेक यानी सेक किसका उल्टा होता है कोस का तो कोस तीस डिग्री यहां उल्टा देखिए तीस एक दो तीन यानी रूट अंडर थ्री बटा टू तो कोस होता है रूट अंडर थ्री बटा टू तो सेक क्या हो जाएगा सेक इसका उल्टा तीन दो बटा रूट अंडर थ्री ठीक है दो पर चल जाएगा एक नीचे जैसे वही टेन का मैं बताना भूल गया था टेन का उल्टा कोट होता है टेन का उल्टा कोट होता है लेकिन एक डिग्री का जो होता है एक होगा तो एक का उल्टा एक बटा एक ठीक है तो ये थोड़ा सा मिस हो गया था उसमें तो गलती से थोड़ा आगे वीडियो बढ़ गया था लंबा हो गया था लेकिन यहाँ देखिए सेक का निकाल रहा है तो कोस बराबर यानी कोस इधर से चलेंगे तीस डिग्री है तो एक दो तीन रूट अंडर थ्री बटा टू ठीक है इसका उल्टा दो बटा रूट अंडर थ्री दो बटा रूट अंडर थ्री का होल स्क्वायर ठीक है ये देखिए माइनस टेन पैंतालीस डिग्री का मान टेन पैंतालीस यहाँ देखिए टेन पैंतालीस ये है तो टेन थीटा बटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा ठीक है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा तो टेन पैंतालीस डिग्री का मान होता है एक कई बार इसको निकाल दिया गया है ठीक है टेन पैंतालीस डिग्री निकालिएगा तो एक आएगा ठीक है अब एक ये हो गया बटा यहाँ है तो यहाँ देख लीजिए साइन तीस डिग्री का मान साइन इधर से चलता है तीस एक तो एक रूट अंडर एक
बटा दू का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान होता है कितना, कॉस 30 डिग्री 1, 2, 3 रूट अंडर 3 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं ना, अगर डाउट हो तो आप इस उंगली के सहारे अपना उंगलिया जो है इसके सहारे आप किसी भी कोण का मान निकाल दीजिए। एक बार आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए आप अपने मन से 0, 30, 45, 90, 60, 90। ठीक है, यहां से लेके करो कोस को साइन को सीधा दिशा में चला दो घड़ी के दिशा में और कोस को उल्टी दिशा में कर दीजिए, देखिए आपका आराम से निकल जाता है। ठीक है, यहां करने के बाद अब देखिए आप 5 गुने यहां रूट है तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 2 दुना 4 प्लस 4 गुने 2 दुना 4 बटा ये 3 जो है रूट में आएगा तो रूट का दो बार करेंगे तो कट जाएगा तो बचेगा 3 माइनस 1 का 1 ही हो जाएगा बटा 1 बटा 2 दुना 4 जोड़ 3 बटा 2 दुना 4। ठीक है ना, इसमें अगर डाउट होगी तो देख लीजिएगा, ये सब जोड़ घटाओ गुना भागा का काम ये है आपका। ठीक है, जोड़ घटाओ गुना भागा मेन तो ट्रिक यहां से था, मेन हिंट्स यहां से मिला आपको, लेकिन जोड़ घटाओ गुना भागा आपको करना है कि कैसे आप करेंगे कि आपका मजबूत होगा। ठीक है, तो यहां इतना कर दिए, ये आप जोड़ घटाओ गुना भागा में आप आ गए। ठीक है, उधर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसमें इसका, क्योंकि यहां मान निकालने में दिक्कत था, लेकिन यहां जोड़ घटाओ गुना भागा ये आपका काम है। ठीक है, चलिए अब यहां देख लीजिए, 5 से इससे गुना करोगे तो 5/4 जोड़ 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16 16/3 माइनस 1 बटा यहां इसका इसका एलसीएम तोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा 4 यानी 1 + 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम तोड़ोगे आप तो 4 × 3 = 12। ठीक है, 12 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 अब 5 × 3 = 15 4 × 3 = 12 5 × 3 = 15 प्लस 3 × 4 = 12 16 × 4 = 64 माइनस 12 × 12 बटा क्या हो जाएगा, यहां मेन बटा ये था तो 4 × 3 = 4। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा और आगे चल के, यहां इसको इसको जोड़ दीजिए और ये घटा देंगे आप तो 64 × 15 कितना होता है 5 × 4 = 9 और 6 × 1 = 7 माइनस 12 × 12 = 4/4। ठीक है, अब उसको घटाइए आप, इसको 9 में से 5 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6/12। ठीक है, अब चाहेंगे तो ये मल्टी मेन बटा ये था तो इसको गुणा करेंगे तो 4/4 हो जाएगा। अब कटना है तो इसको काट दीजिए 4 × 3 = 12। ठीक है, तो 67/3 = 12 ये आपका आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और मान लीजिए इस वीडियो में कोई गलती हो जाती है, दिक्कत हो जाती है जोड़ घटा में, तो आप जोड़ घटा बेहतर जानते हैं, बट्टा का जोड़ बेहतर जानते हैं तो आप इसको निकालेंगे, लेकिन मानते हैं भाई जब हमसे अगर कोई चूक हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप इसको जोड़ घटाओ जब नहीं जानते तो टेंथ में क्या पढ़ेंगे आप, जोड़ घटाओ बिना जाने हुए गुना भागा जोड़ घटाओ ये सब बेस है आपका। ठीक है, बेस है, तो ये जब तक आप नहीं जानेंगे जोड़ घटाओ गुना भागा तब तक आपको हर चीज में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हर चीज में दिक्कत ही दिक्कत को सामना करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई अगर दिक्कत हो जाए उसको आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको क्या करें, उसकी दिक्कत को दूर करें। ठीक है, उस दिक्कत को आप अच्छे करें, दिक्कत को सुधार ले, और इसमें अगर कहीं जोड़ घटा में गलती रहती है तो आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई होगी तो इसमें अगर जो त्रुटि है आपके फिंगरप्रिंट वाली त्रुटि जो है, आपके उंगलियों से जो भी आपको दिक्कत है इस उंगली से, तो इस उंगली के सहारे आप क्या करिए, इस मान को निकालिए, बिना पहले इसको तो देखिए, रिवाइज करिए, और रिवाइज के बाद आपको दिक्कत होती है तो फिर रिवाइज करिए, फिर दिक्कत है फिर रिवाइज करिए। ठीक है, इसको बार बार करिए, फिर उसके बाद अंदाज से अपने उंगली को निकालिए, देख लीजिए 37 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन चलता है इधर से 1√1/2 यानी 1/2। ठीक है, उस हिसाब से आप इस फिंगरप्रिंट वाली ट्रिक को आप अपनाइए, और इस क्वेश्चन को बनाने में आप थोड़ा सा भी समय नहीं लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी वीडियो, और अपने दोस्तों से जो भी दोस्त नए होंगे उस दोस्तों से आप उनको सेंड कर दीजिएगा वीडियो, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा,
अगर जो भी व्यक्ति चाहते हैं जुड़ने के लिए उसको आप मोटिवेट करेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।